सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सचिन चंदेल एंड यू आर वाचिंग ब्रूटल राइडर्स चैनल। एंड मैं खड़ा हूँ उस टाइम कांगड़ा की ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे। ऊपर साइड कांगड़ा फोर्ट है तो मैं दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, बाद में दिखेगा जब कभी मैं जाऊँगा। तो फिलहाल एक चीज़ चेक करवा देता हूँ आपको, ये चीज़ चेक करो, अपना पोलो जो है पूरा ख़त्म हो चुका है एंड टाइम आ चुका है अब इसको चेंज करने का। ये देखो पूरा दब रहा है, ये वायर्स आ चुके हैं पूरी सामने से, उसको चेंज करवाते हैं आज। एंड और भी एक दो काम है वो निपटाते हैं एंड फिर निकलते हैं जल्दी से। सो हीट हुआ है पूरा टायर। हाँ बट एक चीज़ है, बोलो कि वायर्स निकल आई इसकी बट ग्रिप इसने नहीं छोड़ा। पानी में थोड़ा थोड़ा स्लिपरी मतलब स्लिप कर रहा था, अदरवाइज़ भाई टायर बहुत बढ़िया। बट इस बार मैं अपोलो नहीं सीट डलवाऊँगा। देखो अपोलो भाई, पता क्या इसका दिक्कत यह है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब इतना जल्दी ख़त्म होता है कि पूछो मत। NS 200 मेरे पास, तो NS 200 में जल्दी ख़त्म नहीं होता अपोलो, बट RC 390 में भाई इतना जल्दी खाती है नहीं भाई टायर को, पूछो मत। मतलब टायर स्पिन रोल पूरा सब होता है, तो अपोलो बड़ी जल्दी उठ जाता है इसमें RC में। इसका सारा बॉडी वेट आगे है ना, मतलब बंदा आगे को झुक के बैठता है, दैट्स व्हाई पीछे वाले टायर पर लोड कम होता है तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस बार C8 डलवा के देखते हैं C8 कैसा चलता है। बाकी C8 की लुक बहुत मस्त आने वाली है, तो शॉप भी थोड़ा ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पहुँच जाऊँगा मैं 5-10 मिनट में। तो डलवाते हैं अभी अब C8 Red X1, तो देखते हैं कैसा लगता है लुक वाइज, कैसा लगता है लुक वाइज तो वो सब लगेगा। मेरी NS में भी C8 ही डला हुआ है, तो अभी इसमें भी C8 डलवाऊँगा मैं। मैंने सारा हेलमेट वॉश करके रखा हुआ था, हेलमेट ग्लव्स सब वॉश करके रखे हुए हैं, आराम से सेटअप करके रखा हुआ सारा। इतना धीरे मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं तेज़ चलूँगा तो टायर में हवा भी कम है तो बाइक बबल कर रही है। अभी मैं चेक करवाता हूँ, ये देखो बबल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ ताकि बाइक बबल ना हो। एक नट भी 600 रुपये का आता है इसका, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गया शॉप पे। कर दो इसका चेंज, बर्नआउट मारा। नहीं नहीं नॉर्मली चला गया, अपोलो था ना ये, अपोलो तो चली जाता है। इतना ज्यादा चला, चला 6000 7000 8 इतने ही चल रहा है 8 इतने ही। मेरी NS में भी था वो भी इतना ही चला था, अपोलो का चल ही गया। तो सीएट है ना आपके पास? सीएट है, सीएट डालना 150 डालना के 140 डालना 150। हेलो तो डालते हैं अभी इसमें टायर। लोग बनाने का हेलो व्हाट्सअप गाइस, वो कर दिया मैंने अभी, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि टायर कैसे डलता है। एक ना वो 2718 गड्डी वो लास्ट लगा था मैंने, क्या वो देने बस ये ये नया आया सीएट का, इसी का है ना, इसी साल का है ना। हाँ नया नया, हमारे पास तो बचता ही नहीं मार दो होलसेल का काम। 24वां साल मई महीने का ये, ठीक है। सो बॉयज यहाँ पे लाइक जैसे वो नहीं होता कास्ट में जैसे एकदम से टायर वगैरह चेंज हो जाए ना, जूम 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 करके टायर खोल दिया है मेरा और बंदे टायर लेके चले भी गए हैं चेंज करवाने। सो सुपर फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे, लाइक मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। बस ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस, अगर मैं इसमें 180 डालना चाहूँ तो वो भी आ जाएगा, इतना खुला है इसका, मतलब ये जो
स्विंग आर्म है, बहुत वाइड है, वही देख रहा था मैं। बाकी चेन साइड भी चेंज करवाने वाला हो गया इसका, मैं फ्रंट वाला करवा ही दूंगा। इसके दो आगे वाली अलग से मिल जाती है, एन एस की आगे से अलग से नहीं मिलती, इन्हें बोलते हैं बुशेस गाइस, रिम में डलते हैं। बाकी तो हालत ठीक नहीं है उस भाई की, गंदी है, वॉश करवाएंगे, खुद ही करूँगा यार घर पे। बाकी यार ये क्या टायर लग रहा है क्या कहीं पे? पेंट है, अच्छा ओके पेंट है। सो फाइनली गाइस टायर डल चुका है। ओ भाई जींस बहुत अनकम्फर्टेबल होती है, रेड भी आ चुके थे। पापा बोले नाइट्रोजन डलवाने टायर को, वो रेस लगने वाली है क्या? पापा बोले निकल गया ना, बच गया थी गाड़ी मार रहे थे। ओके न्यू टायर, अब ग्रिप उसके चेक करेंगे हम, और मैं ऐसा बोलने के बाद सीधा मोड़ के ऊपर स्लाइड ना कर जाऊँ बिकॉज टायर नया है, तो इसके साथ हम कुछ ऐसी हरकत नहीं कर सकते। बट हाँ पीछे से बाइक अभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। वाह मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। बाइक चलाने का मतलब तभी आता जब टायर्स नहीं हो बिल्कुल। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया गाइस, नाइस वेदर, आई लाइक इट, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, मज़ा आ रहा है अभी। शुक्र है धूप नहीं है, गर्मी नहीं लग रही थी। अभी एक जगह रुक के आपको टायर का सिनेमैटिक ले लेता हूँ बढ़िया से, आरसी में तो बहुत प्यारा लग रहा है ये, बढ़िया से सिनेमैटिक मज़ा आ जाएगा भाई। लोकेशन बड़ी प्यारी है यार, बहुत मस्त लोकेशन है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जब भी मैं कांकड़ आता हूँ मैं यहाँ पे स्टॉप लेता देता हूँ, यहाँ पे सिनेमैटिक लेते हैं बाइक के। ब्यूटीफुल, क्या मस्त दिख रहा है टायर। अब यहाँ पर सिनेमैटिक लेता हूँ, भाई गंदी है बट क्या करें, सिनेमैटिक तो ले जा सकते हैं ना गाइस। सो अभी सिनेमैटिक एंजॉय करो। तो बॉयज आई होप आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। बाकी मौसम तो बहुत प्यारा है बट बारिश भी हो सकती है, तो मुझे टाइमली निकलना पड़ेगा घर के लिए, ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुक नहीं सकता, तो अभी निकल रहा हूँ जल्दी से घर के लिए। जिम भी जाना है, जिम का टाइम भी होने ही वाला है, तो अभी निकलते हैं जल्दी से। गो टू होम बेबी, लेट नहीं करना है यार, वैसे भी सर दर्द लग पड़ती है मेरे। एक्चुअली तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को हेड इंजरी हुई थी, तो मैं ज़्यादा देर हेलमेट पहने तो मेरे को सर दर्द होता है, तो मैं ज़्यादा देर लाइक हेलमेट नहीं पहन सकता, मेरा हेड पेन करने लग पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेन होती है सर में। तो पता नहीं इंटरनल कुछ हुआ है दिक्कत, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ,
बट हाँ हेलमेट ज़्यादा देर मैं वेयर करूँ मेरा सर दर्द होता है, तो दैट्स व्हाई अभी जल्दी से घर पहुँचता हूँ, रेस्ट करता हूँ, थोड़ी सी डाइट लेता हूँ और फिर जिम। अभी आगे आएगी टनल गाइस, टनल आपने देखी है यहाँ की, इसको मैं टनल दिखाता हूँ। ये पूरी पुरानी टनल से होती है, हैंडमेड है यार शायद, ये बहुत पुरानी है, मेरे को हैंडमेड लगती है। इसमें कुछ भी कंक्रीट का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ पहाड़ खोद दिया है, कोई यूज़ नहीं है इसमें कंक्रीट का, नथिंग। सो ये एक बढ़िया चीज़ दिखाने वाली, मैंने आपको पहले भी दिखाई है और फिर से दिखा दी। टॉप गया बिकॉज मेरा फोकस पूरा रोड पे था, घर पे आके देखूंगा और आपको भी पता चल ही जाएगा। सो रोड खाली था इसलिए मैंने चेक करा, मतलब मैं चेक नहीं कर सकता यार, ये रोड कम है यहाँ पे टॉप स्पीड चेक करने के लिए। जब प्रॉपर हाईवे बन जाएगा उसके बाद चेक करेंगे कि अपनी RC 390 कितना जाती है, बट फुल सेफ्टी के साथ, जब दोपहर को कोई रोड पे होगा नहीं तब। भाई की भाई यहाँ पे क्या, बॉयज आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि अच्छा लगेगा तो वो खुद ही कर देंगे। सो अच्छे लगे तो कर लो गई सब्सक्राइब, बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बाय गाइस।